बाद जयपुर से बड़ी खबर की, क्योंकि बद से बदतर लगातार जयपुर के बड़े अस्पताल होते जा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां हाल उनका बेहाल है। अस्पताल में बार बार बिजली गुल हो रही है। बिजली गुल होने से मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब इमरजेंसी में बिजली गुल हो गई, इमरजेंसी वार्ड की ये सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप सोचिए कि इमरजेंसी मतलब कि वहां पर बिजली गुल होने का मतलब कि कितनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे तमाम तस्वीरें रोज आए दिन हम आपको दिखा रहे हैं कि जयपुर के बड़े हॉस्पिटल्स की ये कंडीशन, ये व्यवस्थाएं हैं। आयरन कास्टिंग फैक्ट्री थी, जिसमें जो यहाँ पे परिजन है वो ये बता रहे हैं कि कोई बिजली गिरने से कोई डीपी में कोई ब्लास्ट हुआ, उससे जो उनका जो आयरन कास्ट करने का जो मॉड्यूल था उसमें ब्लास्ट हुआ और उससे सभी लोग सीरियसली बर्न हुए। यहाँ पर कुछ लोगों का तो चोमू में ही केआर हॉस्पिटल और बराला हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको भर्ती किया गया था। और यहाँ पे 7 सीरियस पेशेंट जो बर्न हुए थे उनको यहाँ रेफर किया गया। 7 पेशेंट हमने रिसीव किए हैं, इसमें 2 95% है, 2 85% है, 1 75% है, 1 35% है और 1 50% है। तो मरीजों की तो हालत गंभीर है, क्योंकि जो भी इतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ बर्न है, हमने अपना इनिशियल ट्रीटमेंट जो भी है, पूरी टीम हमारी डिपार्टमेंट की यहाँ लगी हुई है, पूरा डिपार्टमेंट के रेजिडेंट, पूरे डिपार्टमेंट लेक्चरर और हम साथ में, आप देख रहे हैं वो लगे। देश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में इन दिनों हाल बेहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन बिजली गुल होने की शिकायतें जो है वो मिल रही है। आज ओपीडी समेत इमरजेंसी से लेकर कई वार्डो में बिजली गुल होने की शिकायत आई है। और इस वक्त देख सकते हैं कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी जो इमरजेंसी है वहां पर जो है वो बिजली गुल है। हालांकि एक अन्य इमरजेंसी वहां पर आधे घंटे बाद जो है वो बिजली आ गई, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस प्रकार की तस्वीरें, बिजली गुल होने के चलते मरीजों की दिक्कतें जो है वो बढ़ चुकी है। कुछ मरीज हैं उनसे बात करने की कोशिश हम करते हैं, किस प्रकार की दिक्कतें है, कब से बिजली गुल है? अभी 1 घंटा हो गया सैंपल दिए, अभी तक रिपोर्ट बोले लाइट आएगी तब मिलेंगी, लाइट आएगी। पेशेंट इमरजेंसी में है। क्या हुआ पेशेंट को? हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम है और कह रहे हैं कि बिजली जब आएगी तब रिपोर्ट देंगे। हाँ, कितनी देर हो गई आपको? 1 बजे सैंपल दे दिया था मैंने, तब से अभी तक कोई बिजली नहीं आई है। बिजली नहीं आई। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मरीजों की जो है वो दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, और यहाँ पर मरीज जो है वो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब बिजली आएगी और उसके बाद जो है वो कामकाज जो है वो शुरू हो पाएगा। आपके कामकाज किस प्रकार से प्रभावित होता है? सर अभी तो प्रभावित नहीं हुआ, अभी तो हमारा चल रहा है, हमारी बैटरी बैकअप था, अभी तो चला रखा है हमने काम। नहीं, कुछ सैंपल की बात कर रहे हैं, सैंपल जो है वो लेट आएगा। ब्लड सैंपल जमा हो रहे हैं, आगे बिलिंग कट के आती है तो सैंपल हम जमा करते हैं। अच्छा, जमा करते हैं, लेकिन बिजली बलों से वो भी नहीं मिल पा रहे, सैंपल रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। नहीं सर, रिपोर्टिंग जिनकी आ चुकी है उनको हम दे रहे हैं। यहाँ पर है इमरजेंसी में अगर बिजली गुल होती तो मरीजों की समस्याएं जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके बावजूद अस्पताल प्रशासन संभवतः इस पर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी इसी प्रकार की घटना जो है वो एसएमएस अस्पताल में हुई थी और करीब आधे से पौन घंटे तक जो है वो अस्पताल में बिजली जो है वो गुल रही। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि अस्पताल में कम से कम 24 घंटे बिजली मिले, किसी प्रकार की तकनीकी खामियां हो तो उसे जल्द से जल्द जो है वो दूर किया जाए, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, क्योंकि वो पहले से ही परेशान होकर अस्पताल आते हैं और यहां पर आकर इस प्रकार की सिचुएशन देखते हैं तो और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अपडेट एक आ गई है इस खबर में, आपको बताते चले अस्पताल के हाल बेहाल में कि अस्पताल की व्यवस्थाओं से कलेक्टर नाराज नजर आए हैं। इमरजेंसी ओपीडी में बिजली गुल का ये पूरा मामला है, जिसमें कलेक्टर डीएम ने रिएक्शन दिखाया है। काला डेरा हादसे में झुलसे लोगों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे कलेक्टर, और कलेक्टर ने मामले में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, तुरंत बिजली व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। सौरभ हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, लगातार इस तरह आप खबरें दिखाते हैं कि बड़े हॉस्पिटल बिजली गुल का शिकार हो रहा है, इमरजेंसी जैसे वार्ड में बिजली गुल हो जाना। बिल्कुल, देखिए ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर रोजाना 10,000 से ज्यादा मरीजों की ना सिर्फ ओपीडी होती है बल्कि आरपीडी भी जो है वो बड़ी संख्या में मरीज जो है वो एडमिट होते हैं। और ऐसे में इस अस्पताल में इस प्रकार के हाल पहले नहीं थे, लेकिन इन दिनों इस प्रकार के हाल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अस्पताल प्रशासन संभवतः इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा, यही कारण है कि इस प्रकार से पहले ओपीडी में खबर आई थी कि
ओपीडी में जो है वो बिजली गुल हुई है, लेकिन फिर बात के सामने आया कि इमरजेंसी में भी जो है वो बिजली गुल हो गई, और इमरजेंसी के साथ जो कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की जो इमरजेंसी होती है उसमें भी बिजली गुल की शिकायत जो है वो सामने आई है। और इस दौरान जब कलेक्टर यहाँ पर कालाडेरा के मरीजों को मिलने भी आए थे तो उनके सामने भी इस प्रकार की घटना बताता है कि किस प्रकार की स्थिति जो है वो देखने को मिली। उन्होंने जो है वो ये शिकायत तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको किए कि इस प्रकार की घटनाएं जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिजली व्यवस्था सुचारू हो इसके व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। तो अस्पताल में इस प्रकार के हालात होना वो भी तब जहां पर मरीज जो है वो आते हैं, मरीज बहुत समस्याएं लेकर अस्पताल में पहुंचते हैं, और अगर यहां पर इस प्रकार के हाल हो तो कहा जा सकता है कि फिर तो राम भरोसे ही एक तरह से अस्पताल का हाल। अभी बिजली आ गई है नहीं सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ वार्डों में बिजली आ गई है लेकिन अन्य जो है वो वार्डों में बिजली की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। क्योंकि और बिजली जो बार बार गुल हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया इसके पीछे कारण क्या है, अभी जो अस्पताल के प्रवक्ता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि आखिरकार इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो क्यों आ रही है और इसका समाधान अस्पताल प्रशासन किस प्रकार से कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो अस्पताल में बार बार बिजली गुल की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह संवाददाता सौरभ बता रहे थे कि कुछ वार्डों में बिजली आ गई है, कुछ वार्डों में अभी भी बिजली गुल है, भारी परेशानी वहां पर मरीजों को उठानी पड़ रही है। जो मरीज आ रहे हैं कई घंटों तक अपने रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, कई मरीज ऐसे हैं जो गंभीर अवस्था से वहां पर गुजर रहे हैं। कलेक्टर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिजली गुल है, उसके बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू ढंग से सही कराया जाए। फिलहाल सौरभ को भी नहीं पता कि आखिर बार बार इतना बिजली गुल क्यों हो रहा है, और इसको लेकर वो अधिकारियों से बात करेंगे, संबंधित अधिकारियों से कि क्यों इस तरह बड़े हॉस्पिटल में हाल बेहाल है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि विद्यार्थी को पढ़ने के लिए शिक्षा विभाग आए दिन नई नई योजनाएं ला रहा है, लेकिन दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहलाई में परिजन भी अब बच्चों को पढ़ाई करने भेजने में भी डरने लगे हैं। क्यों? दरअसल स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जिससे ग्रामीणों को हमेशा ये हादसा लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि वो अपने बच्चे को भेजे और कोई दुर्घटना घट जाए। इससे नाराज ग्रामीणों ने आज स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस बारे में कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि जल्द ही समस्या का हल नहीं निकला तो आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दौसा के उस स्कूल की दिखा रहे हैं जिसकी हालत एकदम जर्जर हो चुकी है। कई बार हमारे गांव के स्कूल की स्थिति पूर्णतया क्षतिग्रस्त है, ऊपर की छत नीचे पूर्णतया डैमेज स्थिति में है। कई बार पंचायत प्रशासन को शिक्षा विभाग के आला उच्च अधिकारियों का अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे स्थानीय विद्यालय का भवन इस समय जर्जर स्थिति में है, इसकी छतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पानी टपकता है, बच्चे कक्षा में नहीं बैठ पाते हैं और बारिश के मौसम में पढ़ाई बाधित रहती है। हमने पहले भी उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा दिया है और दोबारा से भी हमने अवगत करवाया अधिकारियों को, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, और उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा भी होने लगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, एआईएमआईएम, सीपीआईएम यानी डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद केसीवी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं सपा सांसद मोहिबुल्ला बोले कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिमों के हकों के खिलाफ है, यह बिल मजहब में दखल अंदाजी करता है। वहीं आपको एआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि ये देश को जोड़ने का नहीं बांटने का काम किया जा रहा है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन बिल में आज देखा गया, आज 1955 जो वक्फ संशोधन नियम है उसमें बदलाव किया गया, और साफ तौर पर किरण रिजिजू ने कहा कि हम तो सच्चर कमेटी को फॉलो कर रहे हैं, पहले भी वक्फ में संशोधन हुआ है और इस सच्चर कमेटी को कोई और नहीं बल्कि आप यानी कि सरकार ने ही बनाया, वो कांग्रेस ने ही बनाया है और उसी को फॉलो किया जा रहा है। 1955 नियम के तहत आपको बता दें कि पहले वक्फ जो बोर्ड थी वो किसी भी जमीन को अपना बता देती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है, अब उनको वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाई गई है।
ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरियट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद, फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसका कोई संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। नो, कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा भी हो चुके हैं। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरु भाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। By removing wakf by user, this government wants to take over dargah, masjid and wakf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happened. Section 37 removes protection to wakf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, khatam kar, government bol rahi hai. Sir, main khatam kar raha hu, sir, aadha minute. Government keh rahe hai ki hum mahilaon ko de rahe hai. Mujhe yakin hai ki aap Bilqis Bano ko और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। और इधर बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना के इस्तीफे पर भारत में भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर बांग्लादेश के मुद्दे का जिक्र कर विवादास्पद बयान दिया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां कुछ कुछ भारत में भी बननी शुरू हो गई हैं और लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर शक पैदा होने लगा है, इसलिए हमें पड़ोसी देश से सीख लेते हुए सावधान रहने की जरूरत है। मणिशंकर अय्यर ने आगे कहा कि भारत में भी आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। बांग्लादेश की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी तुलना की जा सकती है। अय्यर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में कमियां महसूस होने लगी हैं। वहां की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी जो उनके इलेक्शंस हुए इस बार और इसके पहले भी। तो वो विपक्ष की पार्टियां ने भाग ही नहीं लिया क्योंकि उनको लगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। हमारे यहाँ वो परिस्थिति नहीं है, विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्ज़ाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या? वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या? लेकिन ऐसे सवाल उठते हैं और हमें सावधान रहना है। और इधर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की कमान संभालने के लिए पेरिस से बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से जो हालात बने हुए हैं क्या वो हालात बदलेंगे, क्योंकि जो खबरें बांग्लादेश के गलियारों से निकलकर आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। क्या सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात? क्या अंतरिम सरकार से बदलेगी तस्वीर? क्या थमेगी हिंदुओं के साथ हिंसा? बांग्लादेश
एक झटके में जिस देश की राजनीति तहस नहस हो गई। बांग्लादेश, जहां हैप्पीनेस इंडेक्स को ऐसी नजर लगी कि देखते ही देखते देश के कई जिले आग के लपटों में हैं। अब उसी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां चल रही, लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद क्या अब बांग्लादेश में कुछ बदलने वाला है? क्या अंतरिम सरकार के गठन से सब कुछ ठीक होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने दावा किया है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नहीं, हम कोई फैसला नहीं लिए हैं, ये बात अभी भी ठीक है। बांग्लादेश का सिचुएशन आप अगर देखें क्या चल रहा है, वहां तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लूटपाट चल रही है कंप्लीट देश में, आपके वीडियो में देखा जाता है। सो यहां कोई पुलिस नहीं है, यहां कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में लोकतंत्र पूरी तरह से खंड खंड हो चुका है। पहले शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया, अब सेना के पूर्व अधिकारियों के घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली सुमान के घर की बेहद डराने वाली तस्वीरें आई। रिटायर्ड मेजर का दावा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात से जुड़े लोगों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। यही वजह है कि सजीव वाजेद का कहना है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो संविधान के खिलाफ है। तो हो रहा है, इट इज ऑल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में ये कुछ भी नहीं है, संविधान में इंटरिम गवर्नमेंट बोला कुछ भी नहीं है। संविधान में प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करे तब पार्लियामेंट कंटिन्यू करना चाहिए एवं न्यू इलेक्शन होना है। बांग्लादेश में हालात पहले ही बेकाबू है और अब यहाँ चीफ जस्टिस के इस्तीफे की भी मांग उठने लगी है। कहा जा रहा है कि अगर उनकी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो एक और आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। हम तत्काल प्रभाव से चीफ जस्टिस और एडी जस्टिस के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि वो इस फांसीवादी व्यवस्था का हिस्सा है। यानी भीतर ही भीतर बांग्लादेश में एक और आंदोलन की आग धधक रही है। खबर तो ये भी है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। दावा किया जा रहा है कि अभी भी बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदू परिवारों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। ये किसी भी प्रकार सहन नहीं किया जा सकता। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हमारी भोली भाली बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, नाना प्रकार की ताड़ना दी जा रही है। हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से लूटपाट की जा रही है, जिस प्रकार से वहाँ के हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, इस सारी हिंसा के ऊपर अब जो विश्व के मानवाधिकार संगठन हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको बांग्लादेश के हिंदुओं के मानवाधिकार के बारे में चिंता करनी चाहिए। सच यही है कि जो तस्वीरें और जो कहानियां बांग्लादेश से निकल कर आ रही हैं वो ये साफ कर रही हैं कि बांग्लादेश में अराजकता की जो आग लगी है वो जल्द बुझने वाली नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मंत्री मदन दिलावर ने बांग्लादेश मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने सलमान खुर्शीद के बयान को अराजक बताया। उन्होंने कहा कि अराजक तत्व ही ऐसी बात करते हैं। सलमान खुर्शीद का बयान देश को नुकसान पहुंचाने वाला बयान है, सुनिए जरा। का जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता, पूर्व विदेश मंत्री, उनका भी एक बयान आया है कि ऐसा भारत में भी हो सकता है।
बांग्लादेश में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सलमान खुर्शीद जी का ये कहना कि यहाँ भी हो सकता है, ये अराजक तत्व ही ऐसी बात कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। क्या कुछ कहेंगे सर, बांग्लादेश जैसी स्थिति हालात है और जब हमेशा बात होती है उसके बाद में ऐसा देखने को मिला है कि सभी जो लोग हैं शरण लेने के लिए हिंदुस्तान की ओर देखते हैं। हिंदुस्तान ने आज तक सबको शरण दी है। और आप फटाफट